और अब इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माछल सेक्टर में आए बर्फीले तूफान की चपेट में 5 जवान आए, जिनमें से 3 जवान शहीद हो गए हैं, 2 लापता बताए जा रहे हैं। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, अपडेट क्या है? रोमाना, देखिए सेना की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया है कि एलओसी पर गुरेज, बारामूला के उरी सेक्टर और रामपुरा सेक्टर और कुपवाड़ा के मच्छिल सेक्टर में कई जगह पे बर्फीले तूफान की चपेट में सेना के पोस्ट और बंकर आए हैं, लेकिन मच्छिल में एक बंकर के दब जाने के कारण इसमें जो 5 जवान थे, तैनात थे, उनमें से 3 की मृत्यु हो गई है जबकि 2 अभी भी लापता है। बता दूं कि पिछले 48 घंटे में जो भारी बर्फबारी पूरी कश्मीर घाटी में हुई है उसमें अब तक 8 लोग मारे गए हैं, जिनमें सेना के 3 जवान और 5 आम नागरिक हैं। जो 5 आम नागरिक हैं वो गांदरबल के कुलन में एक मकान दब जाने से उसमें उसकी चपेट में आए, जहां पे 4 को तो जिंदा बचा लिया गया लेकिन 5 आम नागरिक यहां पे भी मारे गए। और लगातार पूरे कश्मीर घाटी से एवलांचेस की खबरें आ रही हैं और लोगों को सतर्कता बरतने के लिए भी कहा गया है, लेकिन एलओसी पर खास तौर पर जो भारी बर्फबारी पिछले 48 घंटे में हुई है, 5 फीट से लेके 8 फीट तक ताजा बर्फ हुई है, जिसके कारण एवलांच का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 5 से लेकर 8 फीट तक की तेज बर्फबारी जो जम्मू कश्मीर में हो रही है एलओसी के आसपास खासतौर से, और उसकी चपेट में आकर 3 जवान शहीद हो गए हैं, 2 लापता बताए जा रहे हैं माछल सेक्टर में।